चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा। हुआ है कि वहां के पूरे विश्व के उद्योगपति ने पतियों ने भारत को नकारा है। क्यों नकारा है? बिकॉज ऑफ रिलीजियस, जिस तरह से रिलीजियस बातें कर करके हमारे को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। ये सीए इसीलिए लेके आए, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य नहीं है कि भारत में शांति से हम सब रह सकें, मिलकर रह सकें, वो उद्देश्य नहीं है। क्योंकि यदि इनका ये उद्देश्य होता तो ये तमिलनाडु जो श्रीलंका से हिंदू आए होते उनकी बात करते, जो अहमदिया मुस्लिम्स पाकिस्तान में रह रहे थे ये उनकी बात करते। इनने किसी की बात नहीं करी। बर्मा से जो हिंदू आ रहे थे उनकी बात नहीं करी। इनने सिर्फ तीन देशों की बात करी कि आपस में लड़ाओ और काम करो। आज इनको ये चिंता नहीं है। इनने कहा सेंट्रल पूल से हम आपको 42% पैसा देंगे, उसकी चिंता नहीं है। वो 42% पैसा नहीं दे के सिर्फ 35% दे रहे हैं पैसा, जिससे कि सरकारों की हालत खराब हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट हो सके। राज्य सरकारों की सबकी हालत इसीलिए खराब है क्योंकि सेंटर उनका पैसा दे नहीं रहा। इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है आपकी। इसके ऊपर आपने कोई बात नहीं करी कि किस तरह से आपने आईजीएसटी का पैसा रोक रखा है। जिस दिन से आपका जीएसटी चालू हुआ है, आईजीएसटी में आपने कोई भी स्टेट को एक पैसा आज तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? क्या हक? तब आपकी ये कहां रह गई कि साहब क्योंकि सीए हमने एक्ट में पास कर दिया, तो क्या जीएसटी का एक्ट आपने पास नहीं करा था क्या? वो आपने सेंटर स्टेट्स को दे दिया क्या आईजीएसटी? वो नहीं दिया ना आपने। आपको तो सिर्फ धार्मिक उन्माद इस देश में पैदा करना है, धार्मिक उन्माद के ऊपर एक दूसरे को लड़ाना है, जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षण अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं जाए, इकोनॉमी भी नहीं जाए। आज जीडीपी की ग्रोथ 5% से नीचे वर्ल्ड बैंक ने आंक दी। वर्ल्ड बैंक है सेड कि नेक्स्ट ईयर योर जीडीपी ग्रोथ वुड बी 4.5%, विच इज शेम। यानी हम लोगों को यह समझ में नहीं आएगा कि 4.5% की जीडीपी ग्रोथ में किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जो आज की डेट में इतना बढ़ा हुआ है कि किस तरह से और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, उसकी इनमें किसी ने बात नहीं करी। बात इसलिए नहीं करी क्योंकि इन अरे बजाजी आप कर रहे हो, क्योंकि आप ध्यान आकर्षण दूसरी तरफ कर रहे हो। मन की बात नहीं है ये मन की बात नहीं है। आप बैठिए, आप बैठो, ये मन की बात नहीं, आप बैठो। ये आपके समझ में नहीं आएगी, आप बैठो, आपके समझ में नहीं आएगी। आज यदि इनने ध्यान दिया होता तो ये बात ही नहीं होती ना, ये सीए आता ही नहीं। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मानिस दे से सर, बैठे बैठे मत बोलिए भाई, कुछ तो सीख लीजिए। पहली बार ऐसा हुआ जब दुनिया के सब उद्योगपति मिलते हैं और डावोस में पहली बार। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। बिल्कुल सर, एक मिनट में कर दूंगा। आप कह रहे हैं दो मिनट, एक मिनट में कर। मैं ऐसा कोई आपको नहीं दूंगा मौका जिससे कि आप। आज डावोस में पहली बार हुआ कि इंडिया को नकारा गया। इतने शर्म की बात है कि इंडिया को नकारा गया क्योंकि हम रिलीजियस उन्माद पैदा कर रहे हैं, इसलिए हमें नकारा गया। वैसे ही ट्रंप को नकारा गया वहां पर। तो ये जो राइटिस्ट थॉट है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसकी बात करने से काम नहीं चलेगा। लोगों के पेट में भूख है, वो पेट को भरना पड़ेगा आपको। आप वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये धार्मिक उन्माद की आप बात कर रहे हैं, जो सीएए की आप बात कर रहे हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात नहीं करी, इन्फ्लेशन की आपने बात नहीं करी, जीडीपी की किसी ने बात नहीं करी। आपने आरबीआई से जो पैसा ले लिया, आपने आरबीआई से पैसे छुड़ा लिया, इतना पैसा ले लिया। आपके पास पैसा ही देने के लिए नहीं है, इस पर आपके कोई जवाब ही नहीं है। आपने जो आप कर सकते हो, जितना आप इस इकोनॉमी को बर्बाद कर सकते हो वो आप बर्बाद कर लो, और जब आप देखिएगा कि साल भर बाद आपका क्या हाल होगा। आपको इस सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, इन्हीं मुद्दों पे रिजाइन करना पड़ेगा। ये मैं आपको सच कह रहा हूं कि आप देख लीजिएगा कि आपका कितना हाल बुरा होता है। धन्यवाद सर।